नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार। सुबह से एक न्यूज वायरल हो रही है कपिल शर्मा की, और उनको क्राइम ब्रांच में देखा गया और बहुत सारे मीडिया लोगों की भीड़ वहां पे लगी हुई थी। जब कपिल शर्मा वहां पे पहुंचते हैं तो मीडिया वाले पूछते हैं कि आप यहां पे किस पर्पस पे आए हो, तो कपिल शर्मा यही कहते हैं कि मेरे से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा ठगी की गई है, मुझे ठग लिया गया है। क्या है पूरा मुद्दा, क्योंकि ये न्यूज़ सुबह से ही बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। लोगों ने कमेंट करा मुझे और फिर उसके बाद मेल भी बहुत सारे आए, मैं कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई भी करा। लेकिन ये पूरी स्टोरी है क्या, पूरा मुद्दा क्या है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जो कपिल शर्मा से जो पैसे ठगे गए हैं वो 5 करोड़ 70 लाख रुपये जो पूरी तरह से ठग लिए गए हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो मुद्दा आया वो आया है दिलीप छाबरिया नाम का एक कार डिज़ाइनर है, जो कि कार भी डिज़ाइन करता है, वैनिटी वैन भी डिज़ाइन करता है। अब वैनिटी वैन क्या है कि कोई भी अगर एक्टर एक्ट्रेस किसी फिल्म की शूटिंग पे जाता है तो आप देखते होंगे कि बड़े से वैनिटी वैन में एक्टर या एक्ट्रेस तैयार होती हैं। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन वहाँ पर जो होता है उनको पहनाया जाता है, मेकअप की जाती है, आर्टिस्ट को तैयार किया जाता है, देन उसके बाद उनके वहीं पे खाना, वहीं पे रिहर्सल, स्क्रिप्ट का, सारी चीज़ें वैनिटी वैन में होती है। तो एक तरह से एक मिनी हाउस कह सकते हो आप। तो उसके लिए 2017 ईस्वी में कपिल शर्मा ने 5 करोड़ 70 लाख रुपए दिलीप छाबरिया को दिया था। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये आया कि जब कपिल शर्मा ने न्यूज़ पे देखा कि दिलीप छाबरिया कुछ और लोगों के पैसे खा चुका है और उसके काम को नहीं किया, तो उनको ये पता चला कि क्यों ना मैं भी इसके ऊपर केस करूं और अपनी जो पैसे मैंने इस पे इन्वेस्ट करे, पैसे मैंने इनको दिए, अभी तक मुझे काम नहीं करके दिया गया। तो इसके लिए इन्होंने सुबह में ही क्राइम ब्रांच से मुलाकात की, वहां के पुलिस ऑफिसर से अपनी बातें रखी, उनके ऊपर FIR दर्ज करी और धारा 420, 465, 467, 468 के तहत उनके ऊपर केस दर्ज किया गया। दिलीप छाबरिया एक बहुत बड़े जाने माने कार डिज़ाइनर हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े लग्जरी कार डिज़ाइन करके देते हैं। लेकिन इस तरह की जो वारदातें आई सामने, इससे फिर से पूरा देश सनसनी में है कि ये इंसान जिनकी उम्र अभी 65 प्लस है, वो इंसान ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। आखिर ऐसे किसी के पैसे को लेकर के और काम न करके देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्मनाक और निंदनीय है। अब ये दिलीप छाबरिया जो है वो किस तरह से फ्रॉडगिरी करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब क्राइम ब्रांच दिलीप छाबरिया के ऑफिस में पहुँचती है तो उनके ऑफिस में 14 कारें, 19 लग्जरी कार, 40 से ज़्यादा इंजन, बहुत सारी चीज़ें पाई गई। और ये इंसान क्या करता था कि हर कार पे 40 लाख 50 लाख का लोन लिया करता था। इस तरह से फ्रॉडगिरी का केस इनके ऊपर किया गया है और पहले भी इनके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे थे। लेकिन वकील, आजकल तो फैशन ट्रेंड चला हुआ है कि कोई भी केस हो एक वकील पकड़ो और उसके बाद केस लड़ते रहो और लंबा अदालत में खींचते रहो और बेल पे बेल, बेल पे बेल मिलता रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बुरी तरह फंसे हैं दिलीप छाबरिया, जिसमें इनको सज़ा भी मिलनी तय है और मानहानि का केस भी किया गया है। दोस्तों, इस घटना को देखकर और इस घटना के बारे में जानकर ये जो आजकल व्हाइट कॉलर के लोग जो मार्केट में घूमते हैं और लैपटॉप लेकर के और अच्छी अच्छी जो प्रेजेंटेशन देते हैं कि मैं आपको ये करके दे दूंगा, वो करके दे दूंगा, ऐसे घर बना करके दे दूंगा, ऐसी बड़ी बड़ी कार दे दूंगा, लग्जरी डिज़ाइन कारें, बहुत सारी जो लंबी लंबे डींग हाँकते हैं, आप लोगों की क्या सोचना है, क्योंकि मार्केट में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। मैं अपनी विचार आपसे व्यक्त कर रहा हूँ। सूट बूट वाइट कॉलर पहन करके हर एक इंसान अच्छा नहीं होता। क्या उसके अंदर बहुत सारी ऐसी फ्रॉडगिरी भरी पड़ी हैं जो आपको नहीं दिखती? कोई अगर बहुत सारे मेकअप लगा करके कॉन्फिडेंटली अच्छे से बात करके अगर आपसे पूरे तरह से स्माइली फेस करके बात कर लेता है तो आप करोड़ों रुपए उस पर फेंकने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन क्या वो आपका काम करके दे रहा है? इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। करोड़ों करोड़ रुपए ऐसे लोग ठग करके गमन करके बैठ जाते हैं और आप अपने उनके काम कराने के लिए अगर बोलोगे तो ये कहेगा कि अभी ये नहीं है, अभी और पैसे लगेंगे, इस तरह से आपसे पैसे ऐंठते रहेंगे। तो ये जो व्हाइट कॉलर की जो ये ट्रेंड चली हुई है, सूट बूट की जो ट्रेंड चली हुई है, लैपटॉप में प्रेजेंटेशन लेकर के जो बड़े बड़े लोगों को झांसा देने की कोशिश हो रही है, ये सारी चीज़ों पे आप लोगों की क्या सोच है? अपनी सोच और अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।